श्री हरि शरणम् कर्मासयं हृदय ग्रंथि बंध मविद्यया साधितम् अप्रमत्तः अनेन योगेन जथोपदेशं सम्यक् व्यपोयो परमेत योगातुम्। ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं, पुत्रों तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए, अत्यंत सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकर्म अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। तदनंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म आशयम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्या आसादितम अप्रमत्तः अनेन योगेन जथा उपदेशम सम्यक् व्यपोय उपरमेत योगात्। तात्पर्य है कि मुक्ति की क्रिया ब्रह्म जिज्ञासा है, सामान्यतः इसे नेति नेति कहते हैं, जिसका अर्थ है वह क्रिया जिससे परम सत्य की खोज करने के लिए अस्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यह विधि तब तक जारी रहती है जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होता। यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मभूत अर्थात आत्म अनुभूति की स्थिति है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कंक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत पुरुष को तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहता है। वह न शोक करता है और न किसी वस्तु को पाने की इच्छा भी करता है। वह सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य पराभक्ति अर्थात परमेश्वर की दिव्य सेवा में प्रवेश करना है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने अस्तित्व का विश्लेषण करता है, किंतु भक्ति में संलग्न रहने पर ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अविचलित भाव से मात्र भक्ति में संलग्न रहने से मनुष्य सदा मुक्त अवस्था में रहेगा। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, मां च यो व्यभिचारेण व्यक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अविचल भाव से भक्ति करना स्वयं ही ब्रह्मभूत है। इसकी दूसरी विशेषता है अनेन योगेन जथोपदेशम, गुरु से प्राप्त उपदेशों का तुरंत पालन होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों से तनिक भी विपत न हो, न ही उनका उल्लंघन करे। उसे चाहिए कि ग्रंथों के अवलोकन में ही न लगा रहे, वरन साथ ही साथ गुरु की आज्ञा को कार्य रूप में परिणत करे। जथोपदेशम भौतिक अनुभूति का परित्याग हो सके इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए, किंतु यदि मनुष्य भक्ति योग में संलग्न हो जाता है तो इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। सच बात तो यह है कि योगाभ्यास को छोड़ा जा सकता है किंतु भक्ति को नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आत्मा रामाच्च मुनयो निर्दंता अप्युरुक्रमिं कुर्वन्त्यहेतु किं भक्ति मित्थं भूतगुणो हरिः। जो आत्माराम मुक्त हैं, उन्हें भी सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। स्वरूप सिद्ध होने पर योगाभ्यास छोड़ा जा सकता है, किंतु भक्ति को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता है। योग तथा दार्शनिक चिंतन समेत आत्म साक्षात्कार के अन्य कर्म त्यागे जा सकते हैं, किंतु भक्ति को तो सदैव बनाए रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।